अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था कि क्या अपवर्क ही एक अकेली साइट है जहां से हम अर्न कर सकते हैं, या ऐसी और भी साइट्स अगर आपको कोई पता है तो हमें बताएं। ये तो अपवर्क है जिसके ऊपर ये मेरी प्रोफाइल है, ये मेरा सारा रैंकिंग है, बट अपवर्क इज नॉट अलोन। आई हैव मेड दिस लिस्ट जहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस करूंगी अपवर्क के साथ, अपवर्क के अलावा आपके पास कौन कौन सी साइट्स हैं। तो अपवर्क के ऊपर तो 1.5 मिलियन ऑलमोस्ट क्लाइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास टोपटल है। टोपटल थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे अपवर्क पे होता है, यहाँ पे एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। स्क्रीनिंग प्रोसेस अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल क्लाइंट्स को हिट करने का, जैसे एयरबीएनबी है, जेंडेस्क है, जेपी मॉर्गन, ऐसे बड़े क्लाइंट्स को आप पिच कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ई लेंथ है, ई लेंथ एंड अपवर्क ऑलमोस्ट सेम थिंग है। फ्रीलांसर है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है फ्रीलांसर, एंड काफी सिमिलर है ऑलमोस्ट। उसके अंदर वही कनेक्ट्स होते हैं, वही बिडिंग होती है। क्रेगलिस्ट है, क्रेगलिस्ट के ऊपर ज्यादातर तो लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, लेकिन फ्रीलांस जॉब्स भी उसके ऊपर मिल सकते हैं। अच्छा, गुरु है एक साइट, गुरु के ऊपर आप अपना मैनेज कर सकते हैं वर्क, उसके ऊपर वर्क रूम होता है, डेली की बेसिस पे आप जॉब मैचिंग कर सकते हैं। 99 डिजाइन है, 99 डिजाइन बेसिकली फ्रीलांस डिजाइनर्स के लिए, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है, वेब डिजाइनर है, लोगो ब्रोशर ये सब बना सकते हैं, तो 99 डिजाइन। पीपल पर और पीपीएच, यस वो भी एक अच्छी फ्रीलांसिंग के लिए है। अगर आप बेसिक वेब डेवलपर हैं, एसईओ स्पेशलिस्ट हैं, वेब डिजाइनर हैं, फ्रीलांस राइटिंग गिग्स भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एडिटर, ब्लॉगर, राइटर, पब्लिशर, इस तरह की अगर आपके पास कोई भी है स्किल तो आप फ्रीलांस राइटिंग गिग्स पे कर सकते हैं। मोर लाइक फीवर है, डिमांड मीडिया भी है जहाँ पे राइटर्स, फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, प्रोग्राफर्स, फोटोग्राफर्स, ये सारे लोग होते हैं, ज्यादा क्रिएटिव टाइप लोग होते हैं वहां पे। अच्छा, कॉलेज रिक्रूटर है, कॉलेज रिक्रूटर इज बेसिकली फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, जहाँ पे आप अपने करियर में भी आप श्योर नहीं है और आप अपने कॉलेज से ग्रेजुएट किया है पर आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो आप कॉलेज रिक्रूटर यूज कर सकते हैं। गेट अ कोडर, ये यूजली वैसे तो स्टार्ट फॉर प्रोग्रामर्स हुई थी, लेकिन यहाँ पे राइटर्स भी होते हैं, डिजाइनर्स भी होते हैं। आई फ्रीलांस भी है इसमें, यूजली यही फ्रीलांसिंग के होते हैं, और द बेस्ट पार्ट इज के इसके ऊपर वो कमीशन बेस्ड नहीं है, आप 100% ऑफ योर अर्निंग आप रख सकते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट फॉर हायर है, उसके अंदर आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और कैटेगरीज होते हैं, आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके स्किल सेट के ऊपर कौन सा मैच करता है। सिंपली हायर्ड है, सिंपली हायर्ड के ऊपर हर कोई ऑलमोस्ट कर सकता है, उसमें ब्लॉग भी है जो आपको बताते हैं कि आपकी हायरिंग टिप्स क्या हैं, ये वो। उसके ऊपर सेल्स पीपल होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, तो ऑलमोस्ट इट इज फॉर एवरीबडी। सो ये है जी 15 वो चीजों की लिस्ट जो आप अपवर्क के अलावा यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप इनमें से किसी जगह पे अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, आपके पास इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यू कैन आस्क मी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। अगर अपवर्क से रिलेटेड या अपवर्क से सिमिलर साइट से रिलेटेड भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी, आई एम देयर टू हेल्प ऑलवेज, जैसे मैंने हमेशा किया है और हमेशा करूंगी। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, साइट पे बटन होगा सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको भी और मजीद लोगों को भी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।